मनोज उदार। हाँ जी मनोज उदार जा रहे हैं हम लोग, और अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, और देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। फिलहाल कवर करते हैं बाइक का और फिर दिखाते हैं आपको मनोज उदार। बारिश भी लग पड़ी है तो हमने सोचा कि अब वापस जाते हैं और उसके बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो गया है। तो फिलहाल चलते हैं वापस, क्या फिर कभी आएंगे। हाँ तो मौसम भी साफ है और हम जा रहे हैं बनाते हुए, चलते हैं दिखाते हैं आपको आज। हिमाचल में मानसून के मौसम में अगर आप मोटो ब्लॉगर हो तो ध्यान से ही आना भाई, देख लीजिए आप। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं ना, खासकर चंबा और किन्नौर में घूम रहे हो तब तो, खासकर चंबा वैली में घूम रहा हो तब तो ध्यान में ही आना भाई। निकल यहाँ से बोला था ना, सुबह हम पहुँच गए शिला घाट। अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रास्ता है, वो भी ऑफ रोड है, इसके अभी ऊपर चढ़ना है, आधे घंटे का रास्ता बोल रहे बंदा। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं ऊपर, थोड़ा मानसून भी थोड़ा चेंज हो रहा है इधर, चलो देखते हैं। ऊपर पहुँचते पहुँचते तो थोड़ा बहुत और भी चेंज हो जाएगा लगता है, ये भी जो धुआँ है वो पूरी हट जाएगी तो अच्छा रहेगा। चलो फिर मिलते ऊपर, यहाँ से नहीं जा रहे अब, यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें सीधे वाली तन गया बिल्कुल, मैं रास्ता बना हुआ है बिल्कुल ही छोटा छोटा। आने को तो आगे, वापस कैसे जाएंगे ये सोच रहे हैं हम लोग, देखेंगे नहीं तो दूसरे रोड से चले जाएंगे वापस। अब यही बोला था ना, ठीक है रुका गांधे में सब और वो बात थी। तो इसके बाद हमने 1 किलोमीटर आगे पैदल ट्रैकिंग करना शुरू कर दी थी, और रास्ते में बच्चे भी हमें मिले जाते जाते,
और अब बनोटुदार के लिए हमने ट्रैकिंग करना शुरू कर दी थी दोस्तों के साथ। तो हमने अब पैदल ट्रैकिंग शुरू कर दी है और पैदल ट्रैकिंग हमारी हो रही है अभी रोड से, और ये किलोमीटर तक अभी ऐसा रोड आएगा बिल्कुल कच्चा कच्चा। एंड हमारे साथ ये जा रहे हैं दो शख्स। इसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी, क्या बोल सकते हैं इसको, हम तो खड्ड बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो एक पानी की छोटी सी धार जा रही है बनोटू धार की। ऊपर यहाँ पे एप्पल है नीचे लगे हुए। तो हमारा अभी सफ़र चल पड़ा है बनोटूधार की ओर, और अभी मौसम बिल्कुल कूल हो चुका है। और हमने जब ट्रैक शुरू किया था तो एकदम से गर्मी पड़ रही थी, और अब जो जैकेट पहनी हुई है इसका बेनिफिट शुरू हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर और थोड़ा मौसम ख़राब होगा। और ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे हरियाली बहुत ही ज़्यादा। हेलो गाइस, इधर तीन रास्ते जा रहे हैं और हमने ये तीनों छोड़कर ये चौथा रास्ता ले लिया यहाँ से। तो मैंने एक बंदे से यहाँ पे बैठा हुआ था, उससे पूछा कि रास्ता कहाँ से है, तो इन्होंने बताया यही रास्ता जहाँ से हम जा रहे थे। तो अब चल पड़े फिर से। ये वो रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे। अब यहाँ पे एक पुल टूट गया है, मेरे हिसाब से पानी के बहाव के कारण ही टूट गया होगा ये। पानी आता होगा यहाँ से तेज तेज, तो टूट गया ये। तो एक और शॉर्टकट लगा लिया हमने, क्योंकि शॉर्टकट क्या है यार, हम वैसे तो पहाड़ी बंदे यार, हमारे भी एरिया ऐसे ही है, तो बाई रोड से बड़े घूम के आना पड़ेगा। हाँ, और पैदल ट्रैक्टर का यही फायदा है, अगर बाइक लेके आए होते तो हमें दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ता है, और उसमें हमारा टाइम और तेल दोनों बर्बाद होते। और यहाँ से हम ईजिली चढ़ सकते हैं ऊपर। अब यहाँ से जा, यहाँ से आगे लगेगा हमें 2 घंटे यहाँ से आगे। एक गलती होगी हमसे, हम आ तो गए बट हमारे पास पानी नहीं है। तो आप कभी भी ट्रैकिंग करने जा रहे हो तो पानी जरूर लेके जाए। इस साइड आ रहे हो तो पानी तो जरूर है भैया, अभी तो पूछो मत। मर्जी नहीं, आहो इन्नी घूमने ये समझो। बड़ दूर है, इसको नहीं पता भाई इसमें कुमार है। 2 घंटे 3-4 बजे तक पूरी जाना। वापसी तो तौन हो जाती है ना, अगर मैं पहले कह दिया तो चढ़ाई बड़ी है जी, चढ़ाई ज्यादा है, चढ़ाई तो चढ़ी हुई है। मतलब मजे तो यही चलने का, वैसे थक लगे पर है कुछ फील है जंगल में। वो ऐसा हुआ, इससे आगे ना पहली साइड वाली सिकरी धार है,
ये इसे ना ऊपर जो ऊपर है टॉप है वो लास्ट पर पहाड़ी है यहाँ पर सिकरीदार है। अच्छा मन बन रहा था मतलब पिछले सीजन में बर्फ के सीजन में ही गया नहीं उस टाइम गर्मी होगी बड़ी ज्यादा तो अब हमारा काफी ट्रैक पूरा हो चुका है और चलते चलते यार पसीने गिर गए। अगर नाले में होगा पानी तो वही पिएंगे पहले मेरे हिसाब से क्योंकि नेचुरल पानी जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। चलता पानी का भी हाँ मतलब यहीं से आते हैं चम्मच पीने के लिए पानी। अच्छा आपको एक धार बताई ना हाँ वहाँ से आता है पानी। अच्छा पूरा चंबा को मतलब एक बड़ा टैंक बना हुआ है बोल गए हाँ से आता है पूरा चंबा का और होता है वो छोटा सा वाटरफॉल ऊपर से घर जन्नत जन्नत पीने वाला पानी है क्या? हाँ देखो लगाया हुए बोतल लगाई हुई है छोटा सा पर चलो यहाँ पे पीने पीने के लिए पानी हाँ भाई जो भी है इस पानी में अपना ही मजा है। और हमारे ऋषि भाई के डोले देखिए यहाँ पे ओके हमने पानी पी लिया है और आपने आप फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दिया। कितना अच्छा घर बने हुए हैं ऊपर छोटे छोटे घर है अंकल जी बनावटी आ रहे इस साइड ही है। अंकल जी से आवाज लगा के हमने पूछ लिया कि बनोतुदार कहाँ है। हम कर रहे हैं ट्रैकिंग विदाउट गाइड हमने ये पूरा सफर कंप्लीट कर लिया पैदल। इस रास्ते से हम पैदल आए थे और ऊपर जाते जाते हमें सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे हैं और एक छोटा सा सुंदर सा गांव और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही ऊपर बनोतुदार की। तो जल्दी से जाते हैं बनोतुदार की ओर। इतनी ऊंचाई पे दुकान है आहो हाँ ऊपर जड़ा दार नहीं है वाह ऊपर सब पहाड़ियाँ दिखनी है ऊपर बस चलो हाँ गल तो दस रखू रस्ता पता नहीं तो
तो एक रास्ता सीधे गांव से ऊपर की ओर जाता है और एक गांव से इधर घूम के आता है। तो हमें घूम कर जाना पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ कर्मचारियों ने हमें यहां का रास्ता दिखा दिया था। तो हम ऊपर जा रहे हैं। अब और अब हमारा काफ़ी सफ़र कंप्लीट होते आया है एंड इसके बाद हम पहुंच जाएंगे बनोतुदार। देखिए हमारा रास्ता, नीचे खेत बने हुए और बहुत ही ढलान है। यहाँ पर एक घर बना हुआ है, यहाँ से रास्ता है। अब हमारा थोड़ा सफर ही बाकी रह गया है। अब एक्साइटमेंट हो रही है ऊपर पहुंचने के लिए। इनके ऊपर पानी की बूंदें गिरी हुई हैं। तो ये पूरा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है और हम वो पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पीछे वाली पहाड़ियों से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और तो यहीं से जाता है ना। चलो ठीक है भाई जी, है ना। तो अंकल जी भी जा रहे हैं अपनी धार को ऊपर, इनके घर है और ऊपर जा रहे हैं ये। बहुत ही सुंदर जगह है और एक और जगह हमने कवर कर लिया है, एक और डेस्टिनेशन हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही हमने पूरा हिमाचल कवर करना है, ट्रैवल के और ट्रैकिंग के एरियाज और ट्रेडिशनल। फाइनली पहुंच गए तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाएंगे तेरे घर के सामने। ठंडी बहुत है इस टाइम। ये देखिए हम लोगों ने अब आग जला ली है। यहाँ पर एक जगह दिखी मेरे को, पीछे देखो वैसे बादल ही बादल है और इस साइड देखिए हमारी धार, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर नज़ारे। ये देखिए नीचे कितनी खाई है यहाँ पर। में और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, हमारे एक भाई फोटो खिंचवा रहा है और पीछे क्लिक किए जा रहे हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं फिलहाल चंबा को और मिलेंगे यूं ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मामा, चलो बाय। चंदे मामा बिना लगनी देरी, चंदे मामा बिना लगनी देरी, ओ पिल्ली मंज लगी बड़ी पीड़, चंदे मामा बेड़ा लगनी धरीड़, चंदे मामा बेड़ा लगनी धरीड़। चंदे दिए राम कलिए, तू मेरी सोगी नच वलिए, चंदे दिए राम कलिए, तू मेरी सोगी नच वलिए।
चलो ठीक है भाई, सर मस्ती होगी बड़ी ज्यादा। और अब जाते हैं घर की ओर। चलो वो चल घर आ जो, चल घर आ जो। मैं नहीं जाने वाला, मैं जाऊं, मेरा मन नहीं करता। जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं हमें तो। ओके, ये था हमारा चंबा से लेके बनोतू धार का ट्रैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर जाइए यहाँ पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।